नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार के मौजूदा 38 जिलों के प्रमुख पर्यटन स्थलों और उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषताओं के क्रम में आज हम आपको सारण जिले से परिचित कराएंगे। सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत ही बिहार पर्यटन की पहचान है और सारण जिला भी इससे अछूत नहीं है। आइए जानते हैं यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों को। चिरांद छपरा से 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में डोरीगंज बाजार के समीप घाघरा नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। चिरांद ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल, इन दोनों कालों का जीता जागता गवाह है, जहाँ खुदाई करने पर बौद्ध काल, ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल के प्रमाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। सन 1962 से 63 में प्रोफेसर बीपी सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। उत्खनन से 5 प्रकार की सांस्कृतिक अवशेष मिले। इसकी कार्बन तिथि ईसा पूर्व 4900 ज्ञात हुई है। कहा जाता है कि जब महाभिक्षु आनंद ने देह त्याग किया तब मगध सम्राट अजात शत्रु, जिनका शासनकाल 495 से 463 ईसा पूर्व और उनके समकालीन लिच्छवी गणराज्य के शासक के बीच विवाद हुआ और महाभिक्षु आनंद के शव की समाधि का अधिकार किसको है। विवाद का हल यह निकाला गया कि महाभिक्षु के शरीरावशेष के 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए और अपनी अपनी समाधि बनाई जाए। लिच्छवियों ने गंगा के उत्तरी किनारे वैशाली जनपद में महाभिक्षु आनंद के शरीरांश की समाधि दी और उस पर स्तूप बनवाया। अजात शत्रु ने शरीर के दूसरे भाग को गंगा के दक्षिण किनारे पर पाटलिपुत्र में समाधि दी। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 399 से 414 ईसा में चीनी बौद्ध यात्री फाहयान भारत आया था। फाहयान ने भी अपने यात्रा संस्मरण में महाभिक्षु आनंद की 2 समाधियों और स्तूपों की चर्चा की है। अगर आप चिरांद जा रहे हैं तो आप वहां बनाए गए म्यूजियम जरूर जाएं। वहां आपको चिरांद से जुड़ी कई पौराणिक कथाओं और प्राचीन चीजों को समझने का मौका मिलेगा। गौतम स्थान। गौतम ऋषि का आश्रम सारण जिले के रिविलगंज नगर क्षेत्र में स्थित है। इस स्थान की प्राचीन एवं धार्मिक मान्यता यह है कि जब गौतम ऋषि ने क्रोध में अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देकर पत्थर बना दिया था, तब कई 100 वर्षों बाद भगवान राम ने उनका उद्धार किया था। गौतम स्थान रिविलगंज में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा व सरयू नदी के संगम स्थल पर हर साल लगने वाली गोदना सिमरिया नहान मेला धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। गौतम ऋषि मंदिर प्रांगण में भगवान श्री राम का पद्म चिन्ह आज भी मौजूद है, जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले मेले में आए लोगों का दर्शन का केंद्र बिंदु होता है। आमी दिघवारा के पश्चिम से 4 किलोमीटर की दूरी तथा छपरा से 37 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ प्राचीन अंबिका मंदिर है, जो आमी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की स्थापना की मान्यता है कि देवी सती के शरीर के अंग जिन जगहों पर गिरे वहां शक्ति पीठ की स्थापना की गई, जिसमें आमी भी एक है। यहाँ एक यज्ञ कुंड भी है जिसके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लोग दूर दूर से आते हैं। नवरात्रि में सभी श्रद्धालु भक्त देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। जितने भी भक्त उस कुंड में जल चढ़ाते हैं वो जल अपने आप गायब हो जाता है। यही कुंड की खास बात है। अगर आप शिवरात्रि में यहाँ जाते हैं तो यहाँ की रौनक देखते बनती है। यहाँ के लोग शिव और सती के विवाह के बड़े जोर शोर से उत्साह से मनाते हैं। सोनपुर मेला। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले की ख्याति एशिया के बड़े पशु मेले के तौर पर है। यहाँ हर साल पखवाड़े से ज्यादा दिनों तक रहता है। मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छतर मेला पुकारते हैं। यहाँ लोगों के मनोरंजन के भी कई कार्यक्रम होते हैं जो लोग को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपको बता दें कि पहले सिर्फ हरिहर नाथ की पूजा सोनपुर में होती थी और मेला हाजीपुर में लगता था, लेकिन बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश से मेला भी सोनपुर में ही लगने लगा। इस मेले में देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। ढोड आश्रम। यह स्थान परसागढ़ के उत्तर में स्थित है और यहाँ पुरातात्विक महत्व के कई प्रदर्शन देखा जा सकता है। गंडकी नदी के किनारे पर और भगवान धदेश्वर नाथ के प्राचीन मंदिर में स्थित है, जिसमें एक विशाल शिवलिंग पत्थर है। सिलौडी मंदिर। यह प्राचीन जगह मढ़ौरा से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। यहाँ लोग बाबा शिलानाथ की पूजा करते हैं एवं मन्नत मांगते हैं और मन्नत की प्राप्ति हो जाने पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए यहाँ आते हैं। शिवरात्रि को यहाँ भव्य मेला लगता है एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करते हैं।
हरिहरनाथ मंदिर। सोनपुर में स्थित हरिहरनाथ मंदिर अति प्राचीन है और हरि विष्णु और हर शिव की प्रतिमा एक साथ स्थापित है। एक ही गर्भगृह में शिव और विष्णु की मंदिर काफी दुर्लभ है और शायद पूरे भारत में ऐसा इकलौता मंदिर है। ये कहा जाता है कि इसी स्थल पर गज और ग्रह का युद्ध हुआ था, जिसमें विष्णु की सहायता से गज की विजय हुई थी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा गंडक के संगम स्थल यानी हाजीपुर सोनपुर में स्थित हरिहर क्षेत्र में गंडक नदी के किनारे लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर बाबा हरिहरनाथ मंदिर की पूजा करने आते हैं। बाबा हरिहरनाथ का मंदिर पौराणिक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने त्रेता युग में जनकपुर जाते वक्त मार्ग में ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। आज हम आपको बिहार के पर्यटन स्थल में सारण जिले के महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी देने की कोशिश की। अगले वीडियो में हम आपको बिहार के अन्य जिलों के पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।